हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कोई लेक्चर या फिर किसी इंटेंशन से नहीं आया। आज मेरा आने का सिर्फ एक रीजन है कि मेरे सोते हुए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट करना। वो होता है ना, कहीं पे अगर आग लगी हो और वो बुझती हो और उसके ऊपर अगर किसी ने पेट्रोल या फिर कुछ डाल दिया तो वो जलने और ज्यादा लगती है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ करने आया। बेसिकली मुझे आज बात करना है दो लोगों से, एक तो मेरे नीट के स्टूडेंट्स और एक जो स्टूडेंट्स 11th से 12th में पहुंच चुके हैं, तीसरे जो भी मेरे जेई के स्टूडेंट्स हैं। ये लेक्चर, ये बातें एक मोटिवेशनल टाइप में। अगर आप मेरे इस वीडियो को नहीं देखना चाहते तो अभी बंद कर दीजिए बेटा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, हो सकता है वो आपको ठीक ना लगे और हो सकता है वो चीज आपको ठीक लगे और कल से आप या फिर आज से अभी से आप अपने कुछ नए तरीके से पढ़ना और अपने आप को समझना शुरू कर दोगे। ओके, सबसे पहली चीज, सबको ही पता है कि 3 मई को एग्जाम होने वाला था नीट को, एक जेई का भी डेट फिक्स हो गया था, बट एग्जाम क्या हो गया, कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा जो डेट है वो पोस्टपोन हो गया। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे जो क्वेरी आई, मुझे जो मैसेजेस आए वो ये थे कि सर पहले जो स्टडी थी वो बहुत ज़्यादा टाइम आवर्स की थी, 7 to 8 hours हम लोग स्टडी करते थे, बट अभी इतना प्रॉब्लम हो गया है, घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, इवन टीवी चालू रहती है, एक्स वाई जेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स पता है सब लोग ने। आजकल तो देख रहा हूँ कि गर्मी भी बहुत है, धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, तो गर्मी की वजह से पढ़ने नहीं हो रहा है। सर क्या करें, कुछ ऐसा सोल्यूशन बताइए जिससे कि, कुछ ऐसा मोटिवेशन दीजिए जिससे हम लोग वापस से पढ़ना चालू करें सर, क्योंकि बंद हो गया है और इस बार अगर बंद हो गया तो फिर सर होप खत्म हो जाएगी, राइट ना। तो बेटा देखो, मैं 2 से 3 चीज़ें पहले आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज, आपने साइंस लिया है, साइंस स्टूडेंट हो, तो अगर साइंस लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, आपको करना है। अच्छा, कोई सोचता है कि साइंस लेने के बाद हमको क्या करना है, कुछ लोगों के मन में होता है कि साइंस ले लो, अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर लो, अच्छे प्रोफेसर से कोचिंग ले लो, अच्छे मटेरियल नोट्स होना चाहिए, उसके बाद हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और एक अच्छा गोल सेटअप करके उसके पीछे हम लोग पढ़ना चालू कर देंगे और फाइनली उसको अचीव करके हम लोग एक बड़ा आदमी बन जाएंगे, सबका ये इंटेंशन होता है। बट बेटा ये गलत है, कभी भी जो इंटेंशन होता है वो कहाँ से होना चाहिए, वो हमारे दिल से होना चाहिए। क्यों? जब तक आप अपने दिल से नहीं सोचोगे कि हाँ मुझे ये चीज करना है, दिल और दिमाग दोनों में कनेक्शन होता है, अगर आपके दिल से भी निकली कोई बात आपके दिमाग तक पहुंच गई और आपने उसको इम्प्लीमेंट करके उसको किसी भी तरीके से अपने आप को आगे लेके जाने का ट्राई किया तो आप पहुंच जाओगे। अपनी लाइफ में कभी भी, याद रखना बेटा, अपनी लाइफ में कभी भी जो एम होता है ना, एम वो बड़े लेवल का सेट करना चाहिए, ठीक है। मेरी एक स्टोरी बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था ऐसे 2 से 3 साल पहले, एक्चुअली मुझे जानता था, मतलब मैंने उसे कहीं तो पढ़ाया था, 10th standard में वो स्टूडेंट था, मैं उसके बारे में बताता हूँ, स्टोरी बता सुन लीजिए पहले से। बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, उससे मैंने पूछा कि बेटा अपने लाइफ में कितना परसेंटेज का आपने एम किया है, मुझे श्योरिटी थी कि ये बच्चा 90+ मारेगा। तो उसने बोला सर मैंने तो सोचा कि मुझे 100% आना चाहिए। मैंने बोला 100% पॉसिबल तो नहीं है बेटा, तो फिर कैसे क्या करोगे? तो बोला सर मैं रिजल्ट के बाद आपसे बात करूंगा इस बारे में। उसका माइंड देखिए, रिजल्ट आया और उसको कुछ 96% थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट 96 point something था। ओके, उसका रिजल्ट आने के बाद अचानक से ऐसा हुआ कि एक दिन वो मुझे वापस से मिला, इवन वो मुझसे मिलने आया और मुझे आते ही मैंने उसने पैर पढ़े और उसके बाद उसने अपने बारे में बताना चालू किया और मुझे वो बात लिखोगी कि जो उसने बोला था। मैंने बोला बेटा आपने 100% बोला था, आपको 96 point something आया, तो आपने उस टाइम में मुझे बताया नहीं था कि ऐसा क्यों। तो उसने बोला सर एक्चुअली
लाइफ में, वो 10th स्टैंडर्ड में था और उसकी सोच देखिए, और आज के स्टूडेंट की सोच आप खुद अपने आप को देख के समझ जाओगे। वो 10th स्टैंडर्ड में था और उसने बोला कि सर मैंने अपनी लाइफ में जो एम सेट किया था वो एकदम बड़ा एम सेट किया था, मुझे पता था कि वो पॉसिबल नहीं है, अगर मैं उस एम के लिए मेहनत कर रहा था तो मैं आके पहुंचा 96% पे। मैंने 100 के लिए ट्राई किया, मैं 96 पे जाके रुका। अगर सर मैं 80 के लिए ट्राई करता ना तो मैं 75 पे आता, 60 के लिए ट्राई करता तो 50 पे आता। तो बेटा आप लोग का एम क्या है? तो सबसे पहले अपनी लाइफ में अपने एक एम को सेट करो कि मुझे करना क्या है, कितना स्कोर करना है, उसके हिसाब से आगे की चीजें डिसाइड करो। अच्छा, पहले तो हमने सेट कर लिया कि हम लोग का एम क्या है, स्कोर क्या है, क्या उस स्कोर के हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उसको चेक करो। अगर नहीं कर रहे हो तो अब से करना है, अभी भी 2-2.5 महीना है हमारे पास, देखने जाऊं तो। दूसरी चीज, पहला हो गया एक एम होना चाहिए, दूसरा हो गया हमारा डेडिकेशन होना चाहिए, तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका डेली प्लान। क्या प्लान करते हो आप डेली? आपको अगर स्टडी करना है तो कितना घंटा स्टडी करना है, कितने टॉपिक कवर करना है। ऐसा नहीं होता कि मुझे 10 घंटा स्टडी करना है, 10 घंटा 15 घंटा स्टडी करके कुछ नहीं होता है। 10 घंटा पढ़ो, इफेक्टिवली पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितना इफेक्टिवली आप पढ़ रहे हो वो चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सेकेंड होना चाहिए हमारा, थर्ड होना चाहिए हमारा स्टडी प्लान। हमारा स्टडी प्लान कैसा है कि डेली मैं कितना घंटा स्टडी करता हूं। अब स्टडी प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कॉन्स्टेंट, वो देखा है आप लोगों ने एक कोई मरा हुआ मुर्दा होता है, जनाजा होता है किसी का, तो कैसे जाता है वो? ऐसे जाता है सीधा, मरने के बाद भी आपने देखा होगा कि जो आदमी मर जाता है मशीन में उसकी जो हार्ट बीट बताती है कैसी बताती है, सीधी। इसका मतलब क्या है? खत्म, नो मोर, एंड ऑफ लाइफ। तो आपका स्टडी प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए आज 5 घंटा, कल भी 5 घंटा, परसों भी 5 घंटा, उसके बाद भी 5 घंटा, कुछ नहीं होगा। आप तो वही काम कर रहे हो। स्टडी प्लान होना चाहिए कुछ डिफरेंट। आज 5 घंटा है तो कल 6 घंटा, परसों हो सकता है हम वापस से 5.5 घंटे पे आ जाए, नेक्स्ट 7.5 घंटे, उसके बाद बढ़ाते जाओ, पीक पे जाते जाओ। नीचे मत आओ बेटा, नीचे आ जाओगे तो क्या रह जाएगा फिर तो? अगर या फिर कांस्टेंट मत रहो अपनी लाइफ में, कांस्टेंट मत रहो और नीचे मत आओ, ये ट्राई करो। स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए कि अगर मैंने आज 5 घंटे का ट्राई किया है तो कल नेक्स्ट डे जब मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगा तो एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे कम से कम 5.5 से 6 घंटे की स्टडी चाहिए। कभी तो जाके आप पहुंचोगे 10 से 12 घंटा, 24 घंटे बेटा दिन भर में। दे दिया मैंने 7 घंटा सोने के लिए, एक बार डॉक्टर बन जाओ, एक बार अच्छी लाइफ में सेट हो जाओ, एक बार कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए, IIT में सिलेक्शन हो जाए, तब उसके बाद करना जो करना हो। फिलहाल ये साइंस में यही टफ है बेटा, 12th तक आना बहुत इजी है, 10th के बाद साइंस लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 12th तक आना ही बहुत, 12th के बाद आपको जो कोर्स करना है मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग उसमें पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वहां आप पहुंच गए तो वहां से आपको 4 या 5 साल निकालना है, टोटली एकदम इजी है, रिलैक्स होकर आप निकल जाओगे। ओके, तो सबसे पहली चीज मैंने बताई आप लोग को, एम होना चाहिए कुछ लाइफ में, कितना स्कोर है उसको सेट करो अपने दिमाग में, क्या भाई मेरा ये स्कोर है, मुझे अगर यहाँ एडमिशन चाहिए तो मुझे इतना स्कोर करना है, ठीक है, एम सेट। दूसरा डेडिकेशन होना चाहिए, कितना मैं डेडिकेटेड हूँ मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे एम को अचीव करने के लिए कितना मैं डेडिकेटेड हूँ। किसी चीज की आदत लग जाती है ना बेटा, वो आदत छूटती नहीं है जल्दी, ठीक है, डेडिकेशन रखो उस चीज का, उस चीज की आदत है मुझे, उस एम की आदत है, वो मुझे चाहिए, किसी हालत में चाहिए, कैसे नहीं मिलेगा, करना होगा। पता ना, एक बच्चा, छोटा बच्चा जीत करके कोई भी चीज को अचीव कर लेता है, कर सकते हो, करो। तीसरी चीज, स्टडी प्लान, डेली प्लान, ठीक है, उसको। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं बोलता हूं कि मेरे लाइफ में जितने स्टूडेंट्स आते हैं 90% स्टूडेंट्स का सेम प्रॉब्लम होता ही है,
होता है ना एक ताल देने वाली बात, आज नहीं यार कल करते, आज 8 बजे तक कर लिया ठीक है, एक ही घंटा बाकी है, आज स्टॉप करते हैं, कल 7 घंटा पक्का सर, पक्का कल 7 में 8 घंटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे तो गलत हो गया यार, ये आपने किया क्या एक्चुअली, आपने 6 से 7 घंटे के चक्कर में किया क्या? 6 घंटे को आपको 7 घंटा करना था, लेकिन आपने वहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। उस टाइम पे होता क्या, हमारे दिल ने एक सिग्नल भेजा, किसको? मैंने पहले बोला दिल और दिमाग का कनेक्शन है, आपके दिल ने एक मैसेज भेजा दिमाग को कि ये चीज भैया बहुत डिफिकल्ट है, अपने से ना हो पाएगा, ठीक है। अब वो दिमाग उस पर घूमना चालू किया और उसने एक एम बना लिया कि ये चीज डिफिकल्ट है, तो कल जब फ्रेश स्टार्ट करोगे ना बेटा, तो वो चीज आपको डिफिकल्ट तो भी लगेगी, कि आपके दिमाग ने, दिल ने जो सिग्नल दिया, दिमाग ने पढ़ा वो चीज आपके लिए टफ है, तो कल भी टफ रहेगी, एटलीस्ट उतना तो कर ले कि तेरे को टफ ना लगे, वो भी नहीं। तो कभी भी बेटा कोई चीज को कल में मत टालो, जो करना है जितना करना है एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, शुभारंभ भी अच्छा है उसका, कर स्टार्ट तो किया ना, दैट इज पॉजिटिव थिंग। वापस से बताता हूं, एम, डेडिकेशन, डेली प्लान, कल नहीं आज ही करना है। लास्ट टाइम हम लोग का कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा भी क्वेरी था कि सर स्टडी की जगह नहीं मिल रही, मतलब घर में माहौल नहीं बन रहा है, लाइब्रेरी बंद हो गई है सर, क्लासेस में पढ़ने मिलता था, क्लास बंद है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्या करें सर, गर्मी इतनी है, घर में बैठ नहीं पा रहे। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो एकदम आलिशान है, घर में अच्छा सा स्टडी मटेरियल, मतलब स्टडी के लिए बेंच है, बैठने के लिए चेयर है, सब कुछ अच्छा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसके घर पे मॉम डैड भाई बहन सब लोग हैं, वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो बेटा पढ़ना तो है, जब 4 चीज सेट कर लिया, एम सेट कर लिया अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ में डेडिकेशन सेट कर लिया है, स्टडी प्लान बना लिया है, कल नहीं आज ही करना है, सब सोच लिया है, अब जगह नहीं ढूंढेंगे टॉर्च से। हर स्टूडेंट की कोई ना कोई जगह तो बनी जाती है, आपके घर पे टेरेस है, अगर आप बिल्डिंग में रहते तो आप टेरेस से चले जाइए, आप घर में किसी एक कोने में बैठ जाइए जहां पे आप 2 घंटा बैठ के अपने आप को फील कर सकते हो, उस जगह बैठ जाइए, एटलीस्ट स्टार्ट करिए, किसी जगह की आदत डालिए कि ये जगह पे मुझे अब 2 महीना निकालना है, बेटा 2 महीना अभी भी है मेरे पास, अगर उस जगह पे बैठ के 2 महीना बैठ के पढ़ना स्टार्ट किया तो हो सकता है यू विल गेट इट, आप कर लो इसको, ठीक है। तो ये तो मेरे नीट के स्टूडेंट्स की बात है, देखो बेटा कैसे भी करके याद रखो अपनी लाइफ में, सबसे पहले एक एम बना लो अपने नीट स्कोर का, अभी तक नहीं किया, अभी चांस है, स्कोर पहले आ रहा था अब कम हो गया, क्यों कम हो गया? आपकी वजह से कम हो गया है ना, क्यों कम हो गया, मैं इसके भी रीजन बताता हूं, लॉकडाउन हो गए, आज की डेट में सबके हाथ में मोबाइल है, दिन भर घर में टीवी चालू, पूरी फैमिली है, दिन भर हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्या हुआ इससे, दिन भर मोबाइल यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कुछ लोगों ने नए नए टाइप के गेम, पबजी, ये वो, कुछ नहीं है बेटा ये सब, सब टाइम पास है, नथिंग इज परमानेंट, ठीक है। तो ये चीज सोच के रखो, एम बना लिया है उसके लिए डेडिकेटेड रहो, उसको एक ही बार में कूद के नहीं, उसके लिए स्टडी प्लान बनाओ, डेली प्लान बनाओ वहां तक पहुंचने के लिए। नंबर 4, आप लोगों को कल नहीं जो करना है आज करना है, ये सोच के पढ़ाई करो। और लास्ट, एक घर में ऐसा माहौल बनाओ, अपने घर में ऐसी जगह बनाओ, या फिर टेरेस पे, या फिर अगर आप कहीं रहते हो तो वहां पे आजू बाजू में कहीं आपको जगह दिखाई देती हो, वहां पे अपने लिए एक छोटी सी जगह बनाओ जहां आप अपना टाइम निकाल सको। ये तो नीट की बात हो गई, मैं अब आ जाता हूं मेरे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पे, 11th गोइंग 12th। हेलो स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है आप लोगों का? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में आ गए हो, अगर आपका वेकेशन बैच अभी स्टार्ट हुआ होता तो आपके 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के लेक्चर होते और अभी सब बंद है, तो आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप एक वो आदत डाल रहे हो अपने बॉडी को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, जो कि आपके लाइफ में आपको परमानेंट हो जाएगी, और वो आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? अप्रैल, मई, जून, आपका कॉलेज जून में खुलने वाला है,
मैं ये नहीं बोल रहा कि जून तक लॉकडाउन चलेगा, मैं भी चाहता हूँ कि लॉकडाउन खुल जाए। अगर लॉकडाउन नहीं खुला, मान लेते सिचुएशन ठीक नहीं हुई, लॉकडाउन नहीं खुला कोरोना वायरस की वजह से, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे रहेंगे, ये 3 महीना ऐसे निकाल देंगे? ये 3 महीने का जो हमारा स्टडी प्लान बना हुआ था पहले, वो सबका सब इस समय खराब हो चुका है। क्या उसको ऐसे ही रख देंगे, कुछ नहीं करना, सब खत्म? आप क्या कर रहे हो बताए? आप ये 3 महीना कुछ ना करने के बाद जब जून में पहुंचोगे, और जून में इनकेस आपका कॉलेज चालू हुआ, तो जून से आप मंथ काउंट कर लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 7 महीना, 4 सब्जेक्ट, पीसीएमबी विद हिंदी इंग्लिश, किसी ने कोई अदर सब्जेक्ट लिया होगा, ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट और इतना वास्ट पोर्शन 12th स्टैंडर्ड का, वो भी 7 महीने में, जिसका आधा सिलेबस होना चाहिए अप्रैल में जून में, वो आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आप रात में लेट सो रहे हो, सुबह आराम से उठ रहे हो, दोपहर में आराम से टीवी देख रहे हो, डेली का आपका जो टाइम टेबल और उसमें बना हुआ है वो बहुत ही अलग है। इस ये ऐसा टाइम है जिस टाइम पे हर एक कोचिंग स्टार्ट हो गए है, तो आप कोचिंग्स के थ्रू जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं उस लेक्चर्स को फॉलो करिए, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियोस को यूज करिए, ताकि आपका कुछ भला हो सके। जो 3 महीने का टाइम आप यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, वो 3 महीने का टाइम आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सको, क्योंकि हर एक ऑनलाइन दुनिया आ चुकी है। अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि जो काम आप ये 3 महीना लैग कर दोगे ना, ये आप आगे आने वाले 7 महीने में पूरा कवर नहीं कर पाओगे। अगर आपने कवर नहीं किया तो इट विल अफेक्ट योर स्कोर, योर मार्क्स, राइट? और इसके बाद सबसे बड़ी चीज तो मैंने आपको बताना ही भूल गया, अगर आप नीट और जेईई स्टूडेंट्स हो 12th वाले, तो आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम भी देना है। आपने अभी तक पोर्शन भी स्टार्ट किया, कब करोगे? तो ये सब चीजें अपने दिमाग में रखो। हमें जो भी काम करना है उसके लिए डेडिकेटेड रहना है। आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आपको अगर स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट कर ही देना चाहिए, अब क्यों वेट कर रहे हैं आप, ठीक है? तो भले बुक पेन जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, आई एम फिजिक्स प्रोफेसर, मेरे इनबॉक्स में आप मुझे कमेंट करिए, या फिर मेरा व्हाट्सएप, या फिर मेरा एफबी अकाउंट है आपके पास, मेरा आप मुझे वहां भी मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होगी, आई एम रेडी टू सॉल्व एज अ फॉर द फिजिक्स। फिजिक्स की मैं हर एक चीज आपको सॉल्व करा दूंगा। इफ यू नीड केमिस्ट्री, बायो और एनी अदर थिंग, आई विल सपोर्ट, आई विल गिव यू द गाइडेंस, आई विल गिव यू द लिंक कहां पे कैसे क्या करना है, बट बैठे मत रहो बेटा। ये ऐसा टाइम है कि अगर आपने अपने 3 महीने यहां पे खराब किए, तो आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आगे आप करना भी चाहो तो इतने वास्ट सिलेबस को आपको कवर करना है, जो कि आपको कवर करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी, डिफिकल्टीज और कुछ समझ में आए ना आए, ऐसी कंडीशन में आप हो जाओगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको 12th एक बार वापस से ड्रॉप भी करना पड़े। क्योंकि एक सच्चाई है, कड़वा सच है, अगर आपको ठीक लगता है तो एक्सेप्ट करिए, और विश। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा मेरे नीट, जेईई और 12th स्टैंडर्ड, ऑनगोइंग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को, कि अब ये ऐसा टाइम आ गया है जहां पे आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर अब नहीं किया बेटा, तो फिर आपको आपका रिजल्ट खुद ही समझ में आ गया होगा मेरा ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद, कि अब नहीं हो पाएगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सब लोग एक डेडिकेशन, एक स्टडी प्लान, एक डेली प्लान और एक एम को लेकर अपनी पढ़ाई अब करना स्टार्ट कर दो। हम लोग इस समय घर में हैं सब लोग, ये अच्छा मौका है, कहीं जाना नहीं है, घर पे रहना है, खूब पढ़ाई करेंगे जितना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि 24 घंटा पढ़ो यार, मत पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना बॉडी डाइजेस्ट कर सके, लेकिन उसके अगले दिन थोड़ा तो बढ़ो, थोड़ा तो अपने बॉडी को इंकरेज करो कि वो थोड़ा सा और करे। जब दिल और दिमाग का कनेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपका स्टडी पैटर्न एकदम चेंज हो जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, कुछ भी आपको
डीमोटिवेट जैसा लग रहा है तो मेरे इनबॉक्स में आप मुझे मैसेज करिए, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, या फिर मेरा फेसबुक का अकाउंट है वहां पे आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करिए। कोई भी डाउट होगा, आई एम रेडी टू सॉल्व, आई एम रेडी टू मोटिवेट योर सेल्फ। ओके, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।